हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मालपुए बनाएंगे। मालपुए गेहूं के आटे और खोए से बनता है। आज हम थोड़ा दूसरे तरीके से मालपुआ बनाएंगे। आज हम मैदे और दूध पाउडर से बनी हुई मालपुए बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने लिया है 1/4 कटोरी लिया है मैंने मैदा, 1/4 कटोरी मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कटोरी चीनी, चाशनी बनाने के लिए 1/2 कटोरी मैंने लिया है, या कप बोल सकते हैं आप, 1/2 कप मैंने यहाँ मिल्क लिया है। ये हम गर्म करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करके लेंगे। और इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया है मैंने पिस्ता और बादाम। तो बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही टेस्टी हमारे मालपुए बन के तैयार होंगे। इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे मैदा, इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और इसमें इसे अच्छे से पहले सूखे में मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे और इसका हमें स्मूथ बैटर तैयार करना है, गुठलियाँ ना रहे। तो देखिए, हमने इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। आप दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारा बैटर इतना पतला होना चाहिए। तो इसे हम बना लिए हैं बैटर को और इसे हम 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है, जो हमने घोल बना के रखा था, वो अच्छे से फूल चुका है। अब इसके हम मालपुए बना लेंगे। और जब तक हमारे मालपुए रेडी होंगे, तब तक हम इसकी चाशनी बनाने रख लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक गंजी चढ़ा देंगे या कोई भी पतीला, और उसमें हमने जितना शुगर लिया है, तो ये मैंने जितना शुगर लिया है उतना ही हम पानी डाल के इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी को हमें एक तार या दो तार की नहीं बनानी है, नॉर्मल इसे शहद के जैसा चिपचिपा हमें चाशनी बनाना है। तो इसे फुल फ्लेम में रख के हम चाशनी बनाएंगे और तब तक हम अपने पुए तल लेते हैं। चाशनी को बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। मालपुआ को तलने के लिए हम घी चढ़ा लेंगे। घी मैंने फ्राइंग पैन में चढ़ाया है, बेस से थोड़ा सा ज़्यादा हम घी चढ़ाएंगे। इस तरीके से घी हमने चढ़ा लिया है और घी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसे धीमी आंच कर लेंगे और धीमी आंच में हम अपने मालपुए सेक लेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम मालपुए डालेंगे। छोटा छोटा साइज़ का बनाएंगे। 1 चम्मच तेल लेंगे और उसे एक जगह पर डालेंगे इस तरीके से। एक बार में 3 से 4 डालेंगे। और इसे धीमी आंच पे अच्छे से पकने देंगे, फिर इसे एक बार पलट लेंगे। आइए अब इसे धीरे से पलट लेंगे। और इसे फिर से हमें 2 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। मालपुए अच्छे से बन चुके हैं, इसे धीरे धीरे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा घी को इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि निकल जाए, और सारे हम मालपुए प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमने बना लिए हैं। हम इसी तरीके से सारे मालपुए और जो हमारा बैटर बचा है वो भी हम डाल लेंगे। इसे भी हम घी में धीमी आंच पे ही अच्छे से पकने देंगे। आइए अब अपनी चाशनी चेक कर लेंगे। चाशनी को हमें चिपचिपा बना के रखना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो ये चिपक रही है और हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। गैस बंद करके हम पतीला नीचे उतार लेंगे। अब इसमें जो हमने मालपुए बना के रखे हैं उसे डीप कर लेंगे और इसे 10 मिनट हम रहने देंगे ताकि जो चीनी का सिरप है, चाशनी है, वो थोड़ा सा अच्छे से इसमें चला जाए, स्टफ हो जाए थोड़ा सा। तो इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये वाले मालपुए भी तैयार हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। हल्का सा होल्ड कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी नीचे चला जाए और इस तरीके से सारे मालपुए निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी मालपुए बन के तैयार हो चुके हैं और गैस बंद कर लेंगे। इसे भी हम चाशनी में डिप कर लेंगे। मालपुए को हमने 10 मिनट तक शुगर सिरप में डुबा लिया था, अब इसे निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से प्लेट में लगा लेंगे सभी को। और जो हमने बचे हुए और मालपुए हैं उसे भी हम शुगर सिरप में डाल लेंगे। मालपुए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसमें हम पिस्ते और हमने जो लिया है काजू, उसकी कतरन डाल देंगे। इस तरीके से सजा लेंगे इसे। कुछ खास मौक़ों पे ज़रूर बनाएं मिल्क पाउडर के मालपुए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।